अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकला रसूलपुर के पूर्व प्रधान तालिब जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके एकला गांव की राजनीति के इतिहास के बारे में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके प्रधानी के समय में ऐसा कौन सा काम है जो एकला में पहली बार हुआ था। चलिए बात करते हैं एकला रसूलपुर के पूर्व प्रधान जी से, तालिब जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा प्रधान जी कि मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा आपका एकले गांव की प्रधानी को लेकर क्या इतिहास रहा है या किस तरीके से आप प्रधान बने थे इस गांव में, थोड़ा उस पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा आपके। मेरी दिलचस्पी ज़्यादातर पढ़ाई में लिखाई में रही है। मेरठ कॉलेज से बीएससी करने के बाद अब इत्तफाक ऐसा हुआ कि हम जॉब के चक्कर में घूमते रहे, खैर उसमें तो कामयाब ना हुए। 1982 में हमारे ताऊ जब प्रधान हुए, 6 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। पर्चे जब भरे गए थे ब्लॉक के अंदर तो वहाँ मेंबर कुछ थे, 5-7 मैंने उन्हीं मेंबरों के फार्म वार्म भर के अपना फार्म भी इत्तफाक से डाल दिया। अब उसमें चलती छोटी प्रधानी के चुनाव के मुतालिक और के कार्यवाहक प्रधान कौन बने, लिस्ट हमारे गाँव की मेम्बरों की पहुँच गई DM जोजेफ के पास। जोसेफ साहब उस वक्त मौजूदा DM थे मेरठ के, तो उसमें मेरे अलावा किसी और के नाम को वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने मेरे नाम का भी लेटर इशू कर दिया। अब दूसरा ग्रुप भागदौड़ करता रहा कि अपना मेंबर कोई बनावें, अपने मेंबर को नॉमिनेट करावें, वे कामयाब ना हुए। 2.5-3 साल तक उसमें बात चलती रही, आपस में भागदौड़ होती रही। छोटी प्रधानी का चुनाव हुआ, उसमें हमारा एक ख़ानदानी हमारा भाई ताऊ का लड़का 1 वोट से जीत गया। उसके बाद फिर जब मामला ऐसा तूल पकड़ा तो बड़ी प्रधानी के चुनाव आ गए। अब हमारी दिलचस्पी तो थी नहीं, लेकिन मजबूरन हमने अपने वालिद साहब का पर्चा भरवा दिया। अब हमारे 5-7 घर थे जो हमारे ताऊ के लड़के के साथ जुड़ गए थे, उस वजह से 12 वोटों से हम जो थे हमारे वालिद साहब हार गए। फिर अगला चुनाव आया प्रधानी का, अब दिलचस्पी थोड़ी सी बढ़ी राजनीति में। कुछ लोगों ने थोड़ा सा मुझे पुश करा इस वजह से कि यार तुम्हारे अलावा तुम्हारे ताऊ का तो इंतकाल हो गया, क्योंकि वो 17 साल मुखिया रहे थे और 2-3 मरतबा प्रधान भी रहे गाँव के। अब मामला यूँ आ गया, फिर प्रधानी का चुनाव जो मैं लड़ा तो दूसरा जो हमारा प्रतिद्वंद्वी था उन्होंने सेटिंग कर करा के कुछ वोटों से हमें पराजित कर दिया। उसके बाद उनका कार्यकाल चलता रहा, वे बिजनेसमैन आदमी थे, अपने बिजनेस में जुड़े रहे, गांव की तरफ कोई तवज्जो थी नहीं दी नहीं। अगले चुनाव में 3 हम कैंडिडेट थे, मैं चुनाव जीत गया। सबसे पहला हमारा मकसद और उद्देश्य जो था, क्योंकि हमारे गांव के अंदर कोई बाईपास या कोई आम रास्ता इस तरीके का नहीं था, तो हमने अपना मन बना लिया भले चाहे कुछ भी करना पड़े, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़े, अपने घेर में को रास्ता देना पड़े, गांव के आम रास्ते का वो करेंगे इंतज़ाम। अब हमने अपने ये मस्जिद का रास्ता था, हमारी छोटी मस्जिद जो है हमारी कहलावा है, इसके सामने तो रास्ता था ही, आगे को रास्ता ही बंद था। हमने जिद्दोजहद करके पड़ोसियों से भी कोशिश सिफारिश करी, अपने घेर वालों से अपने उनसे करी, उसमें कुछ थोड़ा सा चंदा पंदा पैसा वैसा कर कराए कर उनको दोनों फरीकों को इरादा बनाया। बल्कि हमारे वालों ने जो अपनी अखोर वगैरह लेटरिन बाथरूम वगैरह बना रखे थे उसका पैसा मुझे खुद अपनी जेब से भरना पड़ा। मैंने कहा यार यूँ काम हो जावे, इस पूरे गांव का फ़ायदा है, तो उस आम रास्ते को हमने खुलवाया जो आज भी सबसे ज़्यादा गाँव के अंदर कामयाब होने वाला है। इत्तफाक ऐसा हुआ, अब जो मौजूदा हमारे विधायक थे उनका हमारा मनमुटाव शुरू हो गया, 1-2 आदमियों ने उनके हमारी तरफ से उल्टी सीधी भर भरा के तो हमारे खिलाफ़ एप्लीकेशन लगानी शुरू कर दी। भागदौड़ चलती रही, रिजल्ट यूँ हुआ मैं बर्दाश्त करता रहा, चलते चलाते एक अगला चुनाव आ गया, फिर उन्होंने कैंडिडेट बदल के दूसरा कैंडिडेट वो ही लाए जो इत्तफाक से मेरे खिलाफ़ जीतता था, उसी कैंडिडेट को लाए और एक उनका भतीजा था, वे दोनों हार गए। फिर दूसरी योजना मेरी फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। अब जो हमारे विधायक जी थे उनसे मेरा इख्तलाफ था,
अब दूसरे विधायक आए, बल्कि विधायक क्या थे, इत्तफाक से वो तो एक राजनीति में घुसना चाह रहे थे क्योंकि उनकी भी ख़ानदानी राजनीति है। अब उनकी तवज्जो थी कि यार तालिब को मैं किसी तरीके से अपने फेवर में लाना चाहूँ, तो अब उन्होंने मेरे खिलाफ़ ईदगाह के पेड़ वगैरह कटवाए कर मेरे खिलाफ़ एप्लीकेशन और रिपोर्ट SDM के और तहसीलदार के यहाँ लगाई। अब हमारा उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने हमारा हिम्मत बंधाई, हमारा साथ दिया, अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाब करे। तो अगली योजना हमारी जब आई, वे मंत्री बन गए, मैं प्रधान हो गया दूसरी योजना में। अब उनका सहयोग समर्थन मेरे साथ इतना बढ़िया रहा, उन्होंने जो अब उस टाइम पे जो थी योजना बहुत कम थी, क्योंकि जब हमारी उन्होंने हमारी जांच कराई पूर्व विधायक ने हर गांव वालों ने, तो उसमें 3 साल के 53,000 रुपये का बजट था सिर्फ आमदनी का ग्राम पंचायत की का। अब 53,000 रुपये में गांव का विकास या गांव में काम होने का एक मामला नामुमकिन था, लेकिन मंत्री जी ने सहयोग दिया और उन्होंने यूँ कह दिया कि गांव में कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें खड़ंजा ना लग जावे। तो हमने अपने पराए सब हर आदमी के, मतलब ये मकानों तक में भी हमने सभी के खड़ंजे वगैरह बनाए, और बेचारों का हमारे जो हरिजन बस्ती है उनका कहीं कोई रास्ता नहीं था, 2 रास्ते मैंने उनके खुलवाए। वे जो बेचारा आज तक भी हरिजन वाले, उनका रिकॉर्ड यूँ रहा कि मेरी योजना में मेरे चुनाव में उनमें से तकरीबन 150 या 200 वोट थी उनकी जो गैर मुस्लिम थी, मुश्किल से 2-4 वोट कटती थी, टोटल समर्थन मेरे साथ रह रहा था उनका। बल्कि मेरा जो एक दूसरा प्रतिद्वंदी था चुनाव का, और उसका हमारे एक मध्यस्थता करने वाला एक आदमी था गांव का, वो बोल रहा उनका प्रधान जी तुम चुनाव के मामले में तो मेरी बात अभी अभी उनसे हुई है, तुम हार रहे हो। मैंने कहा उनको मुकालता है, एक काम करियो, तकरीबन 6-7 दिन पहले 8 दिन पहले बात है यू, मैं एक काम करो तुम उससे यूँ कह दियो कैंडिडेट से कि चुनाव मैं नहीं हार रहा, चुनाव तुम हार रहे हो। उनका मामला ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैं गड़बड़ बिल्कुल नहीं होने की, तुम साफ कह दियो इस बात को ना यार तुम चुनाव हार रहे हो तालिब के मुकाबले पे, तो नु क्या पहचान इस बात की। मैंने कहा हरिजनों की 200 वोट और हमारे अलवी लोग हैं इनकी भी तकरीबन 200 वोट थी, मैं वे दोनों चीज़ जो मैं दोनों इन बिरादरियों में 0 हैं। ऐसा ही हुआ, फिर दोबारा उन्हें दोनों को मैंने डिफीट कर दिया, हरा दिया, चलती रही बात। लेकिन वे लोग बाज नहीं आए, वे बाज नहीं आए, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बहुतान तावान मस्त इस तरीके के इल्जामात, कभी पेड़ कटवा दिए, कभी खड़ंजों की जांच करवा दी, क्योंकि पूर्व विधायक का उनको सांस था, काम तो करने वाले वे ही थे, ये तो एक थोड़ा सा एक एप्लीकेशन वगैरह लगाने वाले थे। नौबत यहाँ तक आएगी कि हमारी फौजदारी करा दी, फौजदारी में भी खैर कई साल तक वो चली चलाई, फिर आपस में हमारा फैसला हो गया, वो मुकदमा ख़त्म हो गया। तो मतलब कहना का यू है, काम जब तक अपने पूरे आदमियों का सहयोग ना हो, अपोजिशन भी उसमें मुखालफत ना करे, गांव की तरक्की गांव का विकास जब तक नहीं होता है। लेकिन हमने करनी में कमी छोड़ दी नहीं, 2-4 रास्ते ऐसे बनवाए हैं। खानपुरा वाला रास्ता बिल्कुल कुछ नहीं था, 0 था, एक चक्रोड थी 8 फुट की बस सिर्फ, वो 30 फुट चौड़ा रास्ता बनवाया, हरिजनों वाला रास्ता बनवाया, गांव का यू आम रास्ता जो मेरठ वाली आम रोड से जोड़ता है उस रास्ते को बनवाए, जितने गांव के बाहर के निकलने वाले रास्ते थे, मदरसे पे होने वाला बडले बली वगैरह इनमें खजूरी वगैरह जाने वाला रास्ता था, मीम अफजल को बुलवाया हमने, हम खुद वहाँ मुरादाबाद उनको लेने के उनका प्रोग्राम रखा, उनसे ये काम लिया। रास्ता मदरसे का इतना ख़राब और इतना गंदा था कि झोटे भैंसे जो है ना ये पेट तक डूब जावे थे, खाली बुग्गी भी उनके बस की नहीं थी खुलनी। जब उन्होंने मीम अफजल को हमने प्रोग्राम रखा, उनसे काम लिया, अब खुदा का शुक्र है गांव में बहुत कुछ बेहतराई है, सहूलियत हो गई थी जब से ही। मेन काम जो था हमारा, मेन उद्देश्य तो था अपना गांव का आम रास्ता खुलवाने का, वो अपने अपनी ज़मीन छोड़ कर अपने घेर में को गांव वालों के लिए बाहर वालों के लिए रास्ता खुलवा दिया, रास्ता बिल्कुल बंद था। इस तरीके से भैया हमारी ये जो योजना दोनों पूरी हुई। फिर उसके बाद में जो है अब हमारे समदी के, हमारा समदी भी है, चचेरा भाई भी है ख़ानदानी, और एक थोड़े से रास्ते से साला भी लगा है अगर देखा जावे तो,
क्योंकि हमारी घरवाली जो है उसके सगे मामू की उसकी लड़की है, फूफा की, फूफी की। अब उसकी कुछ तमन्ना सी हुई, कुछ दो चार आदमियों ने इस तरीके से उनमें यूँ कह दिया कि यार अब का चुनाव जो है तुम लड़ो। पहले उसके बाद का चुनाव मैं हार गया था, घरवाली का इत्तेफाक से टिकट था, तो उसे चुनाव लड़ाया। अब कुदरत खुदा की दो चुनाव लगातार हार गए। इल्ज़ाम हमारे ऊपर आया, लोगों ने मुखालिफों ने इल्ज़ाम दिया कि वही लोग तुम्हारे वाले जो हैं वही तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब इस चुनाव में हमारा भतीजा भी खड़ा हुआ, एक हमारे भाई ने भी कुछ इरादा सा कर रखा था, उसे हमने कह सुन के बिठा दिया। भतीजे ने मान के दी नहीं, भतीजे को तो मिली शायद 34 वोट। पूरा समर्थन हमारा साथ रहा उनका, अल्लाह ताला ने उनकी बहुत बढ़िया काम है। अभी पूरे मेंबर बीडीसी दोनों 566 वोटों से जीते हैं। अब इनकी योजना है, अल्लाह ताला जो है इन्हें भी कामयाब करे। मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा प्रधान जी, क्या 5 साल बाद होने वाले आगामी चुनाव के लिए आप फिर से मैदान में उतरेंगे एकला रसूलपुर गांव के प्रधानी में, या आप किसी को गांव की प्रधानी के लिए आगे के लिए समर्थन देंगे किसी अन्य आदमी को? देखो जी, हमारा रिश्तेदारी का मामला है मौजूदा प्रधान से, ठीक ठाक काम करता रहा। हमारे हाथ में तो ये मामला है नहीं किसी को जिताना या हराना, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में हो सब मामला, ये गांव के ऊपर बात है। अगर ये अपनी उसमें कार्यकाल में सही उतरे तो गांव वाले दोबारा इन्हें चांस देंगे, और कोई बहुत दूर की कोई मजबूरी आई मामला ऐसा बना तो वो बाद की बात है, जब देखा जाएगा। लंबा पीरियड है, 5 साल का टाइम है इसमें। अभी मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा, आप पहले भी इकला गांव के प्रधान रह चुके हैं 2 बार, जो आज तक इस गांव में नहीं हुआ है जिसका दो बार कार्यकाल चला हो। आपके हिसाब से जानना चाहूँगा, इकले के गांव के इतिहास में आज तक ऐसा कौन सा काम है जो गांव की ज़रूरत के हिसाब से आज तक नहीं हुआ, और जिसका आप अंदेशा लगा रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हो ही जाएगा इंशाल्लाह? जो काम नहीं हुआ, एक हमारा मेन रास्ता एक और है जो बिलाल मस्जिद वाला रास्ता कहलावा है, पिछले प्रधान ने भी उस पर कुछ तवज्जो नहीं दी। और रही मौजूदा प्रधान की बात, वो मेन रास्ता था, वो हमने एक जिला पंचायत से चुनाव लड़े थे, प्रधान उदयवीर सिंह, उन्होंने बेचारों ने पहली योजना में हमसे कुछ उम्मीद रखते हुए उस रास्ते को बनवाया था। तो मैंने बड़ी जिद्दोजहद के साथ, सही बात यह है गाँव वालों ने उसको कोशिश नहीं करी, जिन लोगों को खेतार थे उसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन हमने अपनी अब से मुठमर्दी कह लो या खुशामद कह लो उस रास्ते को बनवाया। अब वो रास्ता जो है लगाए कर यूँ मान लो 95 से आज तक वो रास्ता जर्जर पड़ा हुआ है, बेकार है, लोग बाग बड़े परेशान हैं। अब मौजूदा प्रधान से भी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले प्रायोरिटी उसी रास्ते को दी जाए। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा प्रधान जी आपसे, कि आप गाढ़ा बिरादरी के युवा व अन्य बिरादरी के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है आपके अपने तजुर्बे के हिसाब से, और क्या हिदायत देंगे युवाओं को आप गाढ़ा बिरादरी के? हमारा कहने का मकसद यूँ है या सुझाव हमारा यूँ है, जो भी गाढ़ा बिरादरी में जिस गांव में भी प्रधान हो, ज़्यादातर नई उम्र का लड़का हो, जोश खरोश वाला, कामयाब हो, गांव के विकास में, गांव के यानी तरक्की में उसका सहयोग नहीं, पूरी पूरी उसकी मेहनत और लगन भी हो, जिससे ऐसा है जो अपने मतलब बिरादरी में अपनी एक मिसाल कायम हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तालिब प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।